संगत जी मेरे साथ जरूर बोलें जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज मैं अपना आप सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले सत्संग हम मंत्र जाप के साथ स्टार्ट करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी पता नहीं गुरु जी का मैसेज मुझे भी बार बार आ रहा था कि अपना सत्संग शेयर कर। और सबसे बड़ी चीज़ संगत जी कि गुरु जी सब जानते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ वो सच में जाने जाने हैं। वो हमारी एक एक चीज़ का जानते हैं कि हमें अब क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम चल रही है। संगत जी आज मैं आपको बता नहीं सकती, दो तीन दिन से मैं बहुत परेशान चल रही थी। मेरे मन में बहुत चला था कि गुरु जी मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तब मेरे मन में आया कि एक आंटी हैं, मैं उन आंटी से बात करती हूँ। संगत जी जब शाम को मैं आज पूजा करने के लिए बैठी तो मेरे मन में यही चल रहा था कि मैं क्या करूँ क्या करूँ, गुरु जी प्लीज़ आंसर दो आंसर दो। मैसेजेस तो आते हैं गुरु जी के पर पता नहीं चल रहा था, उससे भी मतलब मेरा मन वो नहीं हो रहा था कि मैं मानूँ कि हाँ ये मैसेज मेरे लिए ही है। संगत जी मैंने गुरु जी से अरदास करी कि मैं उन आंटी से बात करूँ, और अगर उन्होंने फर्स्ट टाइम रिंग में ही मेरा कॉल पिकअप कर लिया तो मतलब जो भी वो आंटी बोलेंगी वो आपके ही मैसेजेस होंगे, क्योंकि वो आंटी गुरु जी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। संगत जी मैंने उन्हें कॉल किया, पूजा की उसके बाद मैंने गुरु जी से आज्ञा लेकर उन्हें कॉल किया, और सच में उन आंटी ने मेरा फर्स्ट टाइम में ही कॉल उठा लिया। और उनमें मुझे जो भी चीज़ें चल रही थी मैंने उन आंटी से डिस्कस करी, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा आंसर बताया, और मतलब जो मुझे आंसर चाहिए था आई थिंक मुझे सफिशेंट आंसर मिल गया। तो संगत जी कहने का मतलब ये है कि गुरुजी हमारी एक एक चीज़ जानते हैं, एक एक चीज़ उनको सब पता है कि हमें कब क्या करना है, कैसे ये मेरी बेटी है इसको मुझे किस तरह से क्या आंसर दिलवाना है। संगत जी उन आंटी ने भी मुझे यही बोला कि अगर आपको किसी से मतलब कुछ भी अगर आपके साथ प्रॉब्लम चल रही है और आपको लग रहा है कि आप उनको कुछ भी माफ़ नहीं कर पा रही हो या कुछ भी चीज़ है, तो आपको जब पता है कि जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है उस स्पिरिचुअल जर्नी के अंदर आपका उनके साथ कुछ ना कुछ कर्मों का तो लेना देना है ही, तभी आपने उनसे बात की है ना, तभी वो आपको हर्ट करने आए हैं या आपको जो भी मतलब प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है वो चीज़ हुई। तो आप ये देखो ना कि जब आप आए थे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करने, तो जो भी मतलब पर्सन आपको हर्ट कर रहा है उनके साथ आपका यही था कि वो आपको परेशान करेंगे और आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे, यानी कि आपका ये ऑलरेडी पहले से कॉन्ट्रैक्ट था और वो कॉन्ट्रैक्ट अब आपका ख़त्म हो गया, उन्होंने आपको हर्ट कर दिया और आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। अब आप उनको माफ़ करने के बारे में मत सोचिए, मतलब ठीक है माफ़ तो करना ही है, बट लेकिन अभी ऐसे आप सोचते रहोगे तो वो चीज़ रिपीटेडली आपके माइंड में चलती रहेगी। तो अब आप सिर्फ ये सोचिए कि जो आपकी आगे की स्पिरिचुअल जर्नी है, आपका उनका कॉन्ट्रैक्ट था, आपने वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, अब आप अपनी आगे की स्पिरिचुअल जर्नी पर ध्यान दीजिए, ना कि आप उन्हीं पास्ट की चीज़ों को रिपीट करते रहें। कहने का मतलब ये है संगत जी कि अगर लाइक जैसे मैं बता रही हूँ कि अगर किसी के साथ भी कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है तो वो कहीं ना कहीं हमारे स्पिरिचुअल जर्नी का एक पार्ट है, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट है जो उस पर्सन पर्टिकुलर पर्सन के साथ हमारा हुआ है। अगर नहीं भी है, मान लीजिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी था, मान लीजिए उन्होंने आपको वैसे ही हर्ट कर दिया और आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उनके साथ में, तो संगत जी भगवान है ना, उनका जस्टिस तो होता ही है। अगर उन्होंने आपको हर्ट किया तो वो चीज़ उनका जस्टिस तो आपको मिलेगा ही ना, तो आपको ये सोचना है। तो अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि आपको दो चीज़ें हमेशा माइंड में रखनी है कि अगर आपको कोई हर्ट कर रहा है तो आपके स्पिरिचुअल जर्नी में आप ये पहले से ही उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर करके आए थे, और अगर नहीं है ऐसा तो फिर आपका दूसरा ये रीज़न है कि भगवान बैठे हैं, वो अपने आप अपना जस्टिस करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे। तो संगत जी पहला तो अगर आपको किसी पर्सन ने हर्ट किया है तो आपका उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो वो गुरुजी अपने आप जस्टिस करेंगे। तीसरी चीज़, अगर फिर भी आप बहुत परेशान हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको दो चीज़ें और करनी हैं। क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड मतलब जो स्पिरिट वर्ल्ड के लॉज हैं उसके बारे में एक बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, और उसका मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। ये देखिए ये बुक है हमारी लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड, तो ये बुक आपको पढ़नी है। अगर आप ये बुक पढ़ते हो कम से कम इसकी दो या तीन रिकॉर्डिंग आप सुन लो, मेन ये रिकॉर्डिंग्स हैं एक एक घंटे की, सिर्फ दो या तीन रिकॉर्डिंग सुन लो, आपको आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसके बारे में पता चल जाएगा। ठीक है संगत जी,
दूसरा आपने क्या करना है, दूसरा आपने सबसे मेन जो हमारा होता है 3 बजे से लेके 5:30 बजे तक या फिर 6 बजे तक, अमृत वेला। आपको थोड़ी देर अमृत वेला करना ही करना है, करना ही करना है। आप 10 मिनट उठो, 20 मिनट उठो, जितनी देर भी, जो भी भजन शब्द किसी भी चीज़ में जिससे आपका मन भगवान से जुड़ता है, गुरुजी से जुड़ता है, आप वो चीज़ सुनो, गुरुजी का भक्ति करो और अपना जो भी पाठ करना है पाठ करो और उसके बाद सो जाओ। ये नहीं है कि आपको नहा धो के बैठना है, पूजा करनी है, दीवा जलाना है, नहीं। मैं बार बार बोलती हूँ, अमृत वेला में सिर्फ आपको जाना है वॉशरूम में, मुँह हाथ धोने हैं, थोड़ा सा क्लीननेस के लिए फेस वॉश करना है, मतलब आपको नॉर्मल पानी से मुँह हाथ धो लिए, उसके बाद अपने सिर ढककर बैठ गए अमृत वेला। आपने सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का या जो भी आपके इष्ट देव है, जो भी भगवान से आपका मन जुड़ता है, गुरुजी से, शिव जी से, कन्हैया जी से, जिनको भी आप मानते हैं, उनका नाम लीजिए, उनका जो भी पाठ वगैरह जो भी आप करना चाहते हैं थोड़ी देर का कीजिए और उसके बाद सो जाइए। बस आप करके देखिए संगत जी, 1 महीना कीजिए, आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी। और दूसरी एक चीज़ और मैं ज़रूर कहूँगी कि सबसे मेन, मैंने इस चीज़ के ऊपर बहुत स्टडी किया, बहुत चीज़ें चेक की कि अगर आपको सब कुछ ठीक रखना है ना, तो अपने घर के किचन में जहाँ पर आप खाना बनाते हो वहाँ पर गुरुजी का मंत्र जाप, जो भी आप आपके पास अवेलेबल है मोबाइल में, रेडियो में या आपके म्यूज़िक सिस्टम में, कुछ देर के लिए चला लो, थोड़ी देर मंत्र जाप या फिर आपका जो भी, मतलब लाइक आप एक ओमकार चलाना चाहते हैं वो भी, जो भी मतलब भगवान का भजन है वो चलाइए। बस संगत जी, मैं आपको यही कहूँगी कि आप अपने किचन में थोड़ी देर मंत्र जाप, भगवान का नाम, कोई आरती, जो भी भगवान का सिमरन चला के रखिए, ताकि वहाँ का जो फूड है, जो दाल पानी आटा वहाँ पर रखा है, वो सब भगवान के भक्ति में हो जाए। इससे आपका जो फैमिली है उसमें सब ठीक होगा। दूसरा, आपने अमृत वेला करना है। तीसरा, मैंने आपको बताया कि आपको लॉस ऑफ स्प्रिट वर्ल्ड बुक पढ़नी है, जिससे आपको आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में पता चलेगा। और सबसे अच्छा जो हमारा फॉरएवर है, गुरुजी के सामने बैठ जाइए और अपनी परेशानी कह दीजिए, वो सब जानते हैं, वो सब ठीक करेंगे। ठीक है संगत जी, ये चीज़ करके देखिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।